लॉकडाउन में दो दिनों की बैंक बंदी की सूचना नहीं होने पर शनिवार को बंदी के बावजूद गोरखपुर के सभी स्टाम्प वेंडर अपने अपने तहसील से स्टाम्प का पैसा जमा करने स्टेट बैंक की मुख्य शाखा बैंक रोड पहुंचे और स्टाम्प के पैसा जमा करने की मांग की। इस संबंध में स्टाम्प वेंडर एसोसिएशन के कार्यकारिणी के प्रदेश अध्यक्ष अजय गुप्ता ने बताया कि हम लोगों को 18 जुलाई को स्टाम्प का पैसा जमा करने के लिए समय दिया गया था और लॉकडाउन में बैंक बंद होने से हम सभी स्टाम्प वेंडर कर्मियों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर वेंडर कर्मी अलग अलग तहसील से दूर दराज से आए हैं, ऐसे में इस कोरोना महामारी में स्टैम्प का पैसा समय से जमा नहीं होना सरकार के साथ खिलवाड़ है और सुरक्षा की दृष्टि से सही नहीं है। इस महामारी में हम सभी वेंडर सरकारी पैसे को ध्यान में रखते हुए बैंक आए हैं और बैंक हमारा पैसा जमा नहीं कर रहा है। हमारी मांग है कि हम सभी वेंडरों का पैसा तत्काल जमा किया जाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए स्टाम्प वेंडर एसोसिएशन के कार्यकारिणी के प्रदेश अध्यक्ष अजय गुप्ता ने कहा, अजय कुमार गुप्ता, स्टाम्प वेंडर एसोसिएशन प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष। हम लोग स्टाम्प वेंडर हैं सर, कचहरी से आए हुए हैं, गोरखपुर सहित कंपियरगंज, चौरी चौरा, गोला, बांसगांव, खजनी सभी जगह से 50-60 के संख्या में वेंडर आए थे। नोटिस चपका लिखा हुआ था कि 18 तारीख से खुलेगा, इसलिए हम लोग आज 18 तारीख को पैसा जमा करने आए थे। रजिस्ट्री का काम प्रभावित हो रहा है, सरकार को पैसे की ज़रूरत है। हम लोग कोरोना काल में भी अपना मेहनत करके अपने परिवार को छोड़ के सरकार के काम में जो है सहयोग कर रहे हैं, फिर भी यहाँ पे बैंक की लापरवाही के वजह से, अगर इनको बैंक बंद करना था तो पहले से नोटिस लगाना था। ये सारे लोग पैसे लेके आए हैं सर, सिक्योरिटी का बात है, फिर वापस लौट के जाएंगे। इसी सभी के लिए हम लोग बैंक से मिले हैं। अभी को नोटिस बदल दिया गया है। इसी संबंध में हम लोग बैंक मैनेजर साहब आए थे, उनसे बात किया गया, वो कह रहे हैं कि पता नहीं कब जमा होगा, अब अगले आदेश का इंतजार करिए। अभी क्या मांग कर रहे हैं? अभी स्पष्ट हम मांग करते हैं कि हमारा तुरंत पैसा जमा किया जाए सारे वेंडरों का, सुरक्षा के दृष्टि से।